स्वागत है आपका आईपीएन न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। मैं आपको बता दूं, मैं लफारदा के बस स्टेशन पे हूं अभी, और आपको मैं बता दूं ये बस स्टेशन आप मेरे कैमरा द्वारा मैं दिखा दूं, यहां पे साफ लिखा हुआ है बी टाइप बस स्टेशन एट बासार इनोग्रेटेड बाय श्री करदू तैपोदिया। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर डेट इतना क्लियर नहीं है, जो करदू तैपोदिया जी जो उस वक्त मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, उस वक्त इसे इनोग्रेशन किया गया था सन 1997 पे। और आपको मैं बता दूं यहाँ का हालत आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट स्टेशन का पूरा हालत जो है, माहौल जो है बिगड़ा हुआ है। आप देख सकता है यहाँ पे पूरा छत वगैरह पूरा ऑलरेडी डैमेज स्टेज पे है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता दूँ, कुछ साल पहले शायद 2019 या 20 पे यहाँ पे हमारे जो पूर्व विधायक है गोकर बासर जी, उसके वक्त पे यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया था ट्रांसपोर्ट बस का, तो जो बासर से लेके ईटानगर चलता था। तो आज वो बस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और इस स्टेशन पे वो बस खड़ा करता था। तो ये काफ़ी दुख का बात है। लफारदा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बासर है लफारदा का, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बस नहीं है, तो ये काफ़ी दुख की बात है। एक डिस्ट्रिक्ट पे बस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ का जो पैसेंजर है बासार के, जब ईटानगर से जब वो बस पे चढ़ते हैं, आलो बस या आपके लिरमोबा बस, जब बस पे चढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, जो पैसेंजर है जो बासार पे जिसे नामना है उसे आलो का टिकट काटना पड़ता है। अगर आलो का टिकट नहीं काटता है तो उसे टिकट नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा तकलीफ़ है यहाँ का जो पैसेंजर का, क्योंकि अगर यहाँ पे बस होता, बस चलता तो वो बासर पे रुकना था, लेकिन आलो बस बासर को फार करके जाता है, इसे क्रॉस करके जाता है, तो मजबूरन उसे आलो तक टिकट काटना पड़ता है इस तरह। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से जायलो जो जाता है, जायलो का कीमत रहता है पर पैसेंजर का 1000 रुपीज़ रहता है। तो इस पे जो गरीब है उसका जो है यहाँ पे दिवाला निकल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस का जो है फेयर होता है आपका 500 रुपीज़ रहता है, तो इससे डबल फेयर पे यहाँ का जो लोग है उसे जाना पड़ता है। तो मैं आपको बस स्टेशन का जो हालात है आपको मैं दिखा दूँ आगे। अभी ये बस स्टेशन का आगे वाला पोर्शन है, और आपको मैं बता दूँ यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट बस करा रहता था, और जो ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर होते थे, जो कंडक्टर होते थे, वो यहाँ पे बैठा था। लेकिन अभी आप देख सकता है यहाँ का जो हालत है बहुत ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि अब ड्राइवर कंडक्टर कोई भी जो टिकट जो कटता था, जो टिकट जो बनाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं रहता है। ये हाल है बासार का ट्रांसपोर्ट स्टेशन का। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात आपको बता दूँ, इससे पहले यहाँ पे हमारे जो फायर सर्विस थे उसे यहाँ पे रहने का दिया गया था, तो फायर थेंडर यहाँ पे करा रहता था, तो उसके फायर सर्विस के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहता था। लेकिन अभी जैसे ही फायर ऑफिस बन गया है तो फायर थेंडर वाला चला गया है। तो मैं हमारे जो सरकार है, तो सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जो बस है जो चला गया है, ये वो बस को यहाँ पे दोबारा लाया जाए, लोगों का सुविधा होने के लिए, लोगों का अच्छाई के लिए, भलाई के लिए यहाँ पे किसी भी हाल पे बस आना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारे जो विधायक है न्याबू जीनी दिरची जी, वो इस पे ज़रूर चर्चा करें और जो बसर पे एक बस जरूर लाए। ये सवाल है क्योंकि वो जो बस है, पुराने बस जो यहाँ से चलते थे, वो कहाँ गया गया तो कहाँ, एक बस खो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए हमारे, तो आप हमारे साथ बने रहे। और मैं आपको जो टिकट काउंटर है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि जो लफारदा क्षेत्र के टिकट काउंटर कहाँ पर, एक ऐसे जगह पे टिकट काउंटर है, आपके आंखों पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि टिकट काउंटर रहना था बस स्टेशन पे, लेकिन स्टेशन पे टिकट काउंटर नहीं है। टिकट काउंटर कहाँ पे मैं आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, जैसे मैं आपको बताया था कि लफारदा का जो ट्रांसपोर्ट स्टेशन है वो बिल्कुल खामोश हो गया है, यानी कि वहाँ से बस बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आपका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता, जो टिकट का जो काउंटर है, टिकट का जो प्रॉब्लम है, आप देख सकता है यहाँ एक दुकान है, ये जो हमारा साथ जो बुर्जुग जो कर रहे हैं, इससे पहले वो आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम किया करता था। तो इसीलिए अभी जो सर है, जो बस की जो ड्राइवर है, उसके साथ काफ़ी जान पहचान है सर का। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि आपको अगर बासार से अगर ईटानगर जाना है उसे, तो टिकट यहाँ से कटना पड़ रहा है अभी।
ये मजबूरी है, यहाँ से अभी टिकट को काटना पड़ रहा है। आप देख सकता है एक दुकान से टिकट काटना पड़ रहा है, जो जगह होना चाहिए था आपका बसर में, अगर बस होता तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आना था। और आपको मैं बता दूँ, पैसेंजर जो बस का होगा और बसर का होगा, बसर का जो पैसेंजर है उसे आलो से ही टिकट काटना पड़ेगा ईटानगर जाने के लिए। आपको यही प्रॉब्लम है, आपको अगर आप लिरमोबा बस आते हैं तो लिरमोबा बस को भी आपको बसर से जो भी चलेगा, लेकिन वो आपका फुल पेमेंट में चलना पड़ेगा। आपको बताऊं, ये इस पे पैसेंजर को काफ़ी तकलीफ होता है हमें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे जो हमारे विधायक है और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, फिर से बस जो सेवा है लपा दादा से शुरू किया जाए, वरना यहाँ का जो पैसेंजर है उसे बहुत ही मुश्किल दौर से अभी गुजरना पड़ रहा है। अगर उसको चढ़ना बसर से पड़ता है, लेकिन टिकट आपको आलो से कटना पड़ता है या आपको टिरबिन से कटना पड़ता है, वरना अगर टिकट नहीं कटेगा तो उसको सीट नहीं मिलता है सर। तो इस तरह का समस्या है, और यहाँ पे एक ही स्टाफ है, एक बाम स्टाफ वही बचा हुआ है, और सब जितना भी है यहाँ से चला जा चुका है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे हम बस स्टेशन का जो है, बस का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को लेकर आप जो पब्लिक जो व्यू है मैं लेने के लिए आया हूँ, या हमारे सामने जो पब्लिक मौजूद है, तो इससे मैं बस के ना होने के कारण कितना प्रॉब्लम्स होता है तो मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर, पहले तो बसर से बस जाता था, आपका ईटानगर जाता था, तभी बस नहीं होने का कारण से आप लोगों को कितना तकलीफ होता है अभी? इसमें तकलीफ का हम कैसे बताऊँ, वो तो बहुत तकलीफ होता है। बस नहीं होने से तो अलग बात है, जब बस होके भी नहीं चल रहे वो, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो बस यहाँ से चलता था, अभी तो भैया हमें बस दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं, अभी हम यहाँ से बसार से ईटानगर जाने से भी आलोंग से टिकट काटना पड़ेगा, या तो तिरबिन से काटना पड़ेगा। बसार से ईटानगर जाने का बस टिकट आजकल नहीं मिलता है। तो अभी जैसे ईटानगर से जो बसार आना चाहता है, वो भी आपका आलो तक ही काटना पड़ेगा? वो भी सेम है, बसार से आलो, बसार से ईटानगर से तिरबिन, ईटानगर से आलो, वही टिकट काटना पड़ेगा, बसार में टिकट नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे अभी सामान ले जाना पड़ता है, पहले तो आपका बस में तो काफ़ी सामान को लाद के ले जाता था, अभी जाइलो जो छोटा गाड़ी है तो जाइलो में 10 लोगों को ले जाता है, तो उस पर सामान रखने में प्रॉब्लम होता होगा, तो बस होने से तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना था नहीं। तो अभी आप लोग सामान ले जाने में कितना तकलीफ होता है? उसमें और ज़्यादा तकलीफ है, अपना खुद को खुद ले जाएगा ना, सामान को भेजेगा, उसमें बहुत तकलीफ है। आपका जाइलो में जाएगा तो सिर्फ बैग उग ले सकते, उसमें सामान नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ पैसेंजर चाहिए। और बस में जाने से तो आप सारा आपका सामान एक दो कुंटे भी ले जा सकता है, और खुद को भी उधर चौथा रकम में उधर इतना ना तो पहुँच जाते हैं। आपका जैलो सुमो में तो बड़ा भी ज़्यादा लेता है, सामान भी कम ले जाता है, इसमें हम लोग को बहुत तकलीफ मिलती है। तो आप भी चाहता है कि जो बस सर्विस है बसर में फिर से कंटिन्यू होना चाहिए? यही है। तो आपको मैं बताऊँ, लपारादा एक डिस्ट्रिक्ट है, बसर जो उसका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर में बस नहीं है तो काफ़ी शर्म का बात है। जी जी जी। तो इस पर मेरा जो लपारादा का जो विधायक है, इस पर ज़रूर अमल करे, और मैं चाहता हूँ कि वो इस जो सदन पे इस बात को ज़रूर उठाए, और जो बस जो पहले जो चलता था उसे फिर से दोबारा यहाँ पर चलाया जाए। आप भी यही अपील करता हूँ? हम भी यही अपील करते हैं अपना विधायक से या जो भी ऑफिसर है उससे, हम यही अपील करता हूँ कि बस हमें फिर दोबारा ईटानगर तो बसर ये बस चले। आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरह का जो न्यूज़ है मैं आपके सामने फोकस करने के लिए हमेशा तैयार करूँगा।